Hello everyone, I am Dr. Sufla Saxena, Senior Consultant Pediatric Gastroenterologist and Hepatologist at Manipal Hospital. And today I am going to discuss about a very common gastro problem in children, that is indigestion. हमने ये देखा है कि पैंडेमिक के टाइम में बच्चों में गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्पेशली डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम. बच्चे एडल्ट से डिफरेंट होते हैं, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हैबिट्स, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग फूड ईदर वेरी क्विकली और टू मच ऑफ फूड एट वन टाइम. उसके अलावा कई फूड प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ हो गया या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, एक्सेसिव इनटेक हो उसका, या हाई फाइबर हाई फैट डाइट, शुगरी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कैफीन, ऑल दीज काइंड ऑफ यू नो प्रोडक्ट्स और फूड कैन लीड टू इंडाइजेशन इन चिल्ड्रन. नाउ इट कैन बी एन अंडरलाइन साइन ऑफ एन इलनेस, इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट इग्नोर सच प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन. समटाइम्स इफ़ द इंडाइजेशन इज परसिस्टेंट, अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, देन इट मे शो दैट चाइल्ड मे सफर फ्रॉम एन अल्सर और दे कैन हैव इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. अदर प्रॉब्लम्स लाइक गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, किसी और ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर इन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हम बोलते हैं वो, या स्टमक में अल्सर्स हो सकते हैं. इसलिए हमें ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए. पैंडेमिक के टाइम में बच्चों को काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा, एन्जाइटी और डिप्रेशन भी हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देर इज़ अ लॉट ऑफ इंडाइजेशन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन हैपनिंग एज वेल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव अ गुड स्लीप इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम. What are the common symptoms? Usually, बच्चे जो report करते हैं, they will either say they feel nauseous throughout the day, they don't want to eat, or they'll be belching या burping very much. Recurrent abdominal pain होते रहना, कई बार vomiting होना, इस तरह के symptoms जो हैं वो constantly, stomach में bloating होना, stomach में gases होना excessive. These are the symptoms which is reported by the children constantly when they suffer from indigestion. Now, based on the symptoms, we do some diagnostic test, and according to the test, we plan the treatment for the child. Now, it's very important to remember for parents, agar ye pain abdomen persistent hai, ye severe hota ja raha hai, bacche ka appetite loss ho gaya hai ya weight loss ho gaya hai, or if they're having any blood in stool or bloody vomiting, that means it's an emergency and it needs to be seen or treated by a specialist immediately.